हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त वीडियो मैं लेकर के फिर से आ गया हूं आपके लिए। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपको डेटाबेस नहीं समझ में आता, बहुत सारे डेटाबेसेस लैंग्वेज हैं, जैसे MySQL है, SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस है, तो ये सारे डेटाबेसेस के जो है सॉफ्टवेयर्स के नाम है। तो अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती है, किस पे क्या काम करना है, कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, टेबल कैसे बनेगा, क्वेरी कैसे बनेगी, तो ये सारी ही चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिए और ध्यान से देख लीजिए, हर एक डेटाबेस क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि बात करें ओपन ऑफिस की, हम उसके डेटाबेस को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से चलते हैं और ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस को ओपन करते हैं। उसका नाम है बेस डेटाबेस। जैसे ही ओपन ऑफिस ओपन करेंगे तो आपको ओपन ऑफिस बेस दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये जो बेस है यही डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम है ओपन ऑफिस का। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ये जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, एक नया डेटाबेस बनाना है। तो देखिए, क्रिएट न्यू डेटाबेस पे टिक है, क्रिएट न्यू डेटाबेस पे, तो इसी पर टिक रहने दीजिएगा और ओके करिएगा, यानी नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। हम इसे रजिस्टर नहीं कर रहे फिलहाल, तो डू नॉट रजिस्टर पे क्लिक करके और यहां से फिनिश कर दीजिएगा। जब फिनिश करिएगा तो यहां पर डेटाबेस का नाम आएगा। आप चाहे तो डेटाबेस का नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां पे देना चाहते हैं स्टूडेंट डी कर देते हैं, स्टूडेंट डी यानी स्टूडेंट का डेटाबेस। तो यहां पे स्टूडेंट डी किया, एंटर कर दिया, तो एंटर करेंगे तो एक नया सिनेरियो इस तरीके से खुल के आएगा, ठीक है। अब हमको क्वेरी बनानी है, तो एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखें? तो यहां पे देखिए टूल्स मिलेगा आपको, टूल्स है, तो टूल्स पे जाइएगा और यहां पर मिलेगा आपको एसक्यूएल, देख रहे हैं, एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर क्या कमांड आपको लिखना है, बिल्कुल आसान है, क्रिएट कमांड लिखिएगा, क्योंकि हमने डेटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ है। टेबल हमें चाहिए और टेबल किस नाम से? स्टूडेंट टी नाम से, तो यहां पे स्टूडेंट टी कर देते हैं, तो ये हो गया स्टूडेंट टी। लेकिन यहां पर टेबल जब तक नहीं लिखिएगा तब तक आपका टेबल बनेगा नहीं, तो क्रिएट के बाद आपको लिखना है टेबल और फिर यहां जो टेबल का नाम है वो दे दीजिएगा, फिर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा और यहां पर आएगा रोल नंबर, तो ये हो गया रोल अंडरस्कोर नंबर। और यहां पे डेटा टाइप इसका इंट रहेगा, और अगर आप इसे प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए, यहां पे लिखना होगा नॉट नल प्राइमरी की, प्राइमरी की, ये आप कर देंगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगा, यानी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पे अब नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, तो ये हो गया नेम अंडरस्कोर ऑफ और अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, STUDENTS, नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। और यहां पर डेटा टाइप क्या रखेंगे, वेयर कैर रखेंगे, वेयर कैर, और यहां पर साइज रख देंगे 20, बंद करेंगे इसे और ब्रैकेट को, इसको भी क्लोज कर देंगे और क्लोज करके यहां से टर्मिनेशन देंगे। टर्मिनेशन यानी कि यहां पे सेमी कॉलन आपको लगा देना, इसे टर्मिनेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मान लीजिए इतना ही चीजें हमें रखनी हो, अब यहां से आपको एक्सिक्यूट करना होगा, तो एक्सिक्यूट करेंगे देखिए नीचे क्या लिखा हुआ आ गया, कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड। इसका मतलब आपका एक्सिक्यूशन सक्सेसफुल हो गया है, आपकी टेबल बन गई है। अब बन गई है तो दिखेगी कैसे, तो दिखने के लिए हमें इसे क्लोज करना होगा और क्लोज करके ये जो दिख रहा है, ये जो हमारा डेटाबेस है, करंट डेटाबेस जिसे हमने ओपन कर रखा है, इसको एक बार क्लोज करेंगे और फिर दोबारा से यहाँ डेटाबेस पे जाएंगे और ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, तो इस पे फिनिश करेंगे, तो ये हमारा डेटाबेस ओपन हो गया। अब टेबल पे जाएंगे तो यहाँ आपको स्टूडेंट टी नाम का जो टेबल है वो नजर आएगा, जिसमें कि दो ही फील्ड हमने डाले थे, एक रोल नंबर और दूसरा नेम ऑफ स्टूडेंट। आप यहां से भी डेटा एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इंसर्ट कमांड भी चला सकते हैं। बहुत इजी है इंसर्ट कमांड चलाना, कैसे इसमें इंसर्ट कमांड चलाएंगे वो दिखा देता हूं, ठीक है। क्योंकि हम डेटा यहां से डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे, हम इंसर्ट कमांड का यूज करके एंटर करेंगे, ठीक है। तो हमें कहां जाना होगा, वापस जाना होगा कहां पे, टूल्स पे, फिर यहां से एसक्यूएल पर, और अब यहां पर इंसर्ट कमांड का यूज करना होगा। तो यहां लिखिएगा इंसर्ट इनटू, इस तरीके से लिख दीजिएगा इंसर्ट इनटू, और इंसर्ट इनटू किसमें हमें इंसर्ट करना है वो चीज देखनी होगी, ठीक है। तो इंसर्ट हमें करना है इसको एक टेबल में, और उस टेबल का नाम क्या है, तो यहां पर देखिए टेबल का जो भी नाम होगा वो आपको देना होगा। तो यहां पर टेबल का नाम मैं दे देता हूं, हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट, क्या नाम है, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट टी कर देते हैं। और ये स्टूडेंट टी करने के बाद क्या करना है आपको, ब्रैकेट को ओपन करना है, यहां पर कॉलम का नेम देना है, तो जो भी कॉलम का नेम हो वो जरूर दे दीजिएगा। इसमें देखना होगा कि यहां पर कॉलम कौन कौन से बने हुए हैं, तभी हम यहां पर नेम दे पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको क्लोज करता हूं, अभी हम इसको दोबारा से लिखेंगे और डबल क्लिक करके देख लेते हैं। एक रोल नंबर है, रोल अंडरस्कोर नंबर, और सब कैपिटल में, और नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, यही दो कॉलम बने हुए हैं।
तो यहां से अब वापस चलते हैं कहां पे, टूल्स पे, फिर यहां SQL पे और इंसर्ट इनटू करेंगे INTO, इंसर्ट इनटू, और फिर यहां पे स्टूडेंट करेंगे STUDENT। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कर दिया, ब्रैकेट को ओपन किया, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपको करना क्या है ध्यान से समझिए, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अच्छा स्टूडेंट टी करना है, ये देखिएगा नीचे स्टूडेंट टी है, तो अगर एक भी चीज छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहां स्टूडेंट टी कर दिया, और स्टूडेंट टी करके यहां पे कर देंगे रोल ROLL_नंबर, ठीक है। तो ये हमने दे दिया, फिर यहां पर क्या करेंगे, जो भी हमारा फील्ड नेम है वो फील्ड नेम लाइन से देते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे फील्ड नेम दे देते हैं, रोल नंबर के बाद क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो यहां पे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स करना है जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही हमें देना है, ठीक है। तो ये दे देंगे, और ये दे करके इसे बंद करेंगे, और बंद करके क्या करना है आपको, यहां पर अब अगला स्टेप हमें जाना है, यानी कि अब वैल्यूज डालनी है, तो एंटर करिएगा, यहां पे लिखिएगा वैल्यूज वैल्यूज, ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा। अब यहां पर रोल नंबर में मान लीजिए हमने 1 दे दिया, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि रोल नंबर का डेटा टाइप क्या रखा है हमने, तो अगर इंट रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वेर कैर होगा तो उसे सिंगल डॉटेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, फिर कॉमा लगा दीजिएगा, फिर सिंगल डॉटेड कॉमा ओपन कर लीजिएगा, ऐसे ओपन कर लीजिएगा, और यहां पे नेम में हम कर देते हैं RAM राम, ठीक है, और यहां क्लोज कर देते हैं, और यहां से इसको बंद करके यहां से टर्मिनेट कर देते हैं, टर्मिनेट करके एक्सिक्यूट पे क्लिक करते हैं, तो यहां कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया, ठीक है। और जब एक्सिक्यूट हो जाएगा तो यहां पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें एक वैल्यू इनपुट हो चुकी है, यानी रोल नंबर 1 आ गया, राम नाम आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें हटा सकते हैं, आप यहां से भी जा सकते हैं, वैसे तो हम ये चलते हैं टूल्स में जाके फिर SQL में जाके नाम दे देना, जैसे श्याम कर देते हैं, तो यहां पे जैसे ही श्याम करके और इसको बंद करेंगे, और बंद करने के बाद यहां पे सिंगल डॉट कॉमा लगा के बंद करेंगे और एक्सिक्यूट करेंगे तो ये भी एक्सिक्यूट हो जाएगा, देखिए कमांड एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली, तो श्याम भी इसमें इंसर्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, यहां पर लाइन से इंसर्ट करते चलना है, 3 कर दीजिए और 3 करके फिर यहां पे नाम चेंज कर दीजिए उस स्टूडेंट का, ठीक है। तो यहां पे नाम हम चेंज कर देते हैं, यहां से जाते हैं और यहां से इसको हटा करके यहां पे एक और नाम लिख देते हैं राजेश RAJESH, ये हो गया, और फिर इसे एक्सिक्यूट कर देंगे तो फिर ये एक्सिक्यूट हो जाएगा, जितनी बार एक्सिक्यूट करेंगे उतने रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। यहां पे 4 कर देते हैं तो यहां पे चौथा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, यानी राजेश के बाद अब चौथा रिकॉर्ड यहां पे मनोज एक और नाम लिख दिया हमने, और यहां पे अब एक्सिक्यूट पे क्लिक कर दीजिए तो ये चौथा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया, ठीक है। यहां पे जाएंगे तो ये चौथा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, चौथा रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्टेड है। अब पांचवा रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे, अगर आप देखिए ये एक दिक्कत आपको रहेगी, अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहां देखिए ये एक एरर भी हमें आ रही है क्योंकि हमने चौथा रिकॉर्ड तो इंसर्ट कर ही दिया है, पांचवा रिकॉर्ड भी, पांचवे रिकॉर्ड में हम वही वैल्यू डाल रहे हैं यानी 4 ही रख रहे हैं हम, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो यही प्राइमरी की का महत्व है, यहां पे 5 कर देंगे और यहां पर आप नेम चेंज कर दीजिए, जो भी नाम देना हो अगले स्टूडेंट का, जो भी नाम हो सकता है सेम नाम हो तो सेम नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नाम है लोकेश, तो ये दे दिया और यहां से एक्सिक्यूट कर देंगे तो एक्सिक्यूट करेंगे तो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया, यानी कमांड एक्सिक्यूटेड हो गया। और होने के बाद अब हम एक बार चेक करते हैं कि क्या जितनी चीजें हमने इसमें इंसर्ट कराई है वो इंसर्ट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहां पे क्लिक करेंगे, वापस जाएंगे डेटाबेस पर और इसे ओपन कर लेंगे, तो ओपन करेंगे तो ये देखिए ये ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे जाएंगे और यहां से इसे फिनिश करेंगे तो ये आ गए हम, और अब टेबल पे जाएंगे और इस पे डबल क्लिक करके देखेंगे तो सारे नाम इसमें इंसर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखिए सारे नाम इंसर्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपने देखा ही है कैसे करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो और इजी है, एक्सेस में जाएंगे तो ये देखिए ये एक्सेस ओपन हुआ, यहां पर गए क्लिक किया एक्सेस को ओपन कर लिया हमने, ये एक्सेस का 2021 है, आपके पास हो सकता है 2007 हो लेकिन प्रोसीजर सेम ही है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा और यहां से इसको क्लोज करके और वापस आइएगा क्रिएट पर, और क्रिएट पर आकर के आपको क्या करना है, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करना है और यहां से SQL पर क्लिक कर देना है, ठीक है, क्रिएट, ठीक है। और क्रिएट के बाद क्या लिखेंगे, टेबल, तो क्रिएट टेबल लिख दिया हमने और टेबल का नाम दे देंगे, तो जो भी टेबल का नाम है वो दे दीजिएगा, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ही रखना है तो यहां स्टूडेंट कर दिया हमने टेबल का नाम, और आगे टी लगा देते हैं जिससे पता चलेगा कि ये टेबल है, और डबल डॉटेड कॉमा में यहां पे रोल नंबर क्या देना है, रोल, अच्छा यहां पे कोई डबल डॉटेड कॉमा नहीं देना है, यहां पे डायरेक्टली लिखिएगा ROLL रोल नंबर, ठीक है, ये रोल नंबर हो गया। और ये ध्यान दीजिएगा कि गैप एक्सेप्टेड नहीं है तो अंडरस्कोर लगा लीजिएगा, और इंट डेटा टाइप दे दिया, नॉट नल प्राइमरी की आगे लिख देंगे, नॉट नल
प्राइमरी की भी बना रहा हूं इसे, प्राइमरी की, ठीक है, ये हो गया। और कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम देना है स्टूडेंट का, तो ये नेम हो गया। नेम का डेटा टाइप वेरकेयर दे देते हैं, तो ये वेरकेयर हो गया। और यहाँ पे दे देते हैं साइज 20, और इसको बंद करके अगला वाला ब्रैकेट भी क्लोज करके यहाँ पर इसे टर्मिनेशन देंगे, और टर्मिनेशन दे करके इसे चलाएंगे। जब चलाएंगे तो ये चलेगा, एक्सिक्यूट भी होगा, और यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देख सकते हैं। अब इसमें भी रिकॉर्ड इंसर्ट कराए जा सकते हैं। कैसे इंसर्ट होगा, पहले तो इस क्वेरी को हम सेव कर लेते हैं टेबल क्रिएशन के नाम से, ठीक है, ये हमने क्वेरी सेव कर ली टेबल क्रिएशन, और यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये हो गया। अब देखिए अब दूसरी क्वेरी बनानी है, तो यहाँ पे चल करके और फिर वापस वही क्वेरी डिजाइन और फिर एसक्यूएल में चलेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट भी करने से पहले इंसर्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट तो कर ही लेंगे, इंसर्ट इनटू, जैसे वहां चलाया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी चलाना है। एक अगर आपको आ गया तो बहुत सारी चीजें सेम हो जाती हैं इसमें, ठीक है। स्टूडेंट टी नाम है टेबल का, तो यहाँ पे स्टूडेंट टी कर देते हैं और ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अब यहाँ पर रोल नंबर आपको देना है, ROLL _ नंबर, जैसे लिखा गया है वो ध्यान रखना है कि वैसे ही देना है हमें, ठीक है। रोल नंबर जैसे लिखा गया है वैसे ही देना है, देखिए इस तरीके से लिखा गया है तो ऐसे ही हमने दिया है, ठीक है। और यहां पर आकर के कॉमा लगाना है, सॉरी डेटा टाइप यहां पे मेंशन करना है, तो डेटा टाइप जो भी हो वो यहां पे कॉमा लगा दीजिएगा, और कॉमा लगा करके नेम मेंशन कर दीजिएगा, तो यहां पे लिख दीजिए नेम और ब्रैकेट को क्लोज करिए और क्लोज करके एंटर कर दीजिए, और एंटर करके क्या करना है आपको, वैल्यूज यहां पे डालना है, वैल्यूज वैल्यूज, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए और यहाँ पर अब वैल्यूज डालिए। तो यहाँ रोल नंबर 1 हो गया, और यहाँ सिंगल डॉटेड कॉमा में क्या लिख देंगे, राम लिख देते हैं, कोई भी एक नाम लिख देते हैं, तो ये लिख दिया हमने और यहाँ टर्मिनेट कर दिया। और अब ये ध्यान रखना है कि इस टेबल को क्लोज रखिएगा, नहीं तो ये दिक्कत कर सकता है। तो ये हो गया, और यहाँ से अब क्या करना है, क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको रन कराना है। तो रन कराएंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो, यानी आप एक रो में अपेंड करने जा रहे हैं, तो यस कर दीजिएगा। और जब आप इसे देखेंगे ना स्टूडेंट वाली टेबल को, तो इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। देखिए इसी तरीके से आपको रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते चले जाना है, जैसे यहाँ पे रोल नंबर 1 दिया था, अब इसको चेंज कर रहा हूं, देखिए जरा यहाँ 2 किया हमने, और 2 करके यहाँ पर एक और नाम लिख देते हैं, अशोक ASHOK, तो ये लिख दिया हमने, और ये लिखने के बाद ASHOK होगा यहाँ पे, इसको सही कर लेते हैं, ये हो गया। और अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक्सिक्यूट करेंगे तो क्वेरी डिजाइन पे जाके, और यहाँ से टेबल को क्लोज करिए, और टेबल को क्लोज करके क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको रन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो फिर यहाँ पे ये अपेंड हो जाएगा, और अपेंड हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंसर्टिंग करना है। अब देखिए बात करते हैं एसक्यूएल सर्वर की, तो एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसमें भी सेम कार्य है, सेम यही काम आपको एसक्यूएल सर्वर में भी करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि एसक्यूएल सर्वर अगर यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट से कनेक्टेड रहना होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये देखिए ये एसक्यूएल सर्वर ओपन हो गया, अब यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ ताकि ये कनेक्ट हो जाए, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्वेरी मिलेगी, तो क्रिएट न्यू क्वेरी पे क्लिक कर दीजिएगा क्वेरी बनाने के लिए। और यहाँ पे क्या कमांड लिखना है, क्रिएट डाटाबेस, क्या लिखना है, क्रिएट डाटाबेस, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ डाटाबेस का नाम देना पड़ेगा, जैसे स्टूडेंट था वहां पे, यही नाम हम यहाँ पर भी दे देते हैं और आगे डी लगा देते हैं ताकि ये पता चले कि ये स्टूडेंट का ही डेटाबेस है, ठीक है। अब इसको एक्सिक्यूट कर दीजिए, तो एक्सिक्यूट करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसका मतलब है कि इसमें डेटाबेस बन गया, लेकिन दिखेगा कैसे, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना, तो देखिए स्टूडेंट डी नाम से बनाया है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट डी नाम से डेटाबेस दिख रहा है, लेकिन अब इसको हमें यूज करना है, तो यहाँ पे यूज कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट डी, यानी स्टूडेंट डी नाम के डेटाबेस को ही हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिएगा स्टूडेंट डी, क्या लिखना है, स्टूडेंट डी लिखना है, ठीक है, स्टूडेंट डी लिख दिया, टर्मिनेट कर दिया, और टर्मिनेट करके इसको चलाएंगे यहां से एक्सिक्यूट कराएंगे तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया। और फिर यहां पर जैसे ही एंटर करके नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर अब हमें क्या देना है, टेबल बनाना है, तो यहां पे क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है स्टूडेंट टी, इस बार स्टूडेंट टी, ठीक है, तो ये स्टूडेंट टी कर दिया और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहां पर क्या करना है आपको, रोल नंबर देना है, जैसा कि हर डेटाबेस में मैं देता आ रहा हूं बिल्कुल वैसे ही दे देना है, गैप एक्सेप्टेड नहीं है ये ध्यान रखिएगा, इंट डेटा टाइप है इसका, और यहां लिख देता हूं प्राइमरी की, प्राइमरी की, और यहां पे कर देते हैं नॉट, पहले तो लिखेंगे नॉट नल, सॉरी यहां पे प्राइमरी की पहले नहीं लिखेंगे, पहले यहां लिखेंगे नॉट नल, और फिर यहां देंगे प्राइमरी की, प्राइमरी की,
ठीक है, और कॉमा लगा देंगे, और कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, यहां पर नेम दे देना है, नेम ही नेम दे दिया, और नेम का डेटा टाइप वेयर केयर रख देते हैं या केयर भी रख सकते हैं आप, तो ये वेयर केयर दे दिया, साइज 20 रख दिया, आप 30 40 कुछ भी रख सकते हैं, इसको बंद करेंगे, ब्रैकेट को भी बंद करेंगे और यहां से इसे टर्मिनेट करेंगे। अब इसको चलाने की बारी है, तो ये चलेगा तो एक टेबल बनेगा, तो यहां पे क्लिक किया हमने तो देखिए कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया और टेबल बन गई है। अब इसके अंदर वैल्यूज आप इंसर्ट करा सकते हैं, कैसे इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके, तो ये हो गया इंसर्ट, फिर यहां पे इनटू INTO इंसर्ट इनटू हो गया, फिर यहां पर क्या करना है स्टूडेंट टी के अंदर STUDENT, यहां पे देखिए स्टूडेंट टी हमें लेना है, तो यहां देखिए नीचे टेबल है तो ये टेबल ले लेते हैं और इसी के अंदर हमें डेटा को इंसर्ट कराना है, तो पहले तो रोल नंबर है हमारा, जो भी फील्ड नेम है वो पहले लिख लीजिए आप, ठीक है, तो ये रोल नंबर लिख लिया, कॉमा देंगे और फिर यहां पे अब ये देखिएगा यहां पर एक गलती हो गई है, यहां पर ये नेम होगा तो नेन हो गया है गलती से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम उसको बाद में देखते हैं, तो फिलहाल तो जो है वही लिखते हैं यहां पे NANE कर लेते हैं और इसको बंद करके और यहां से टर्मिनेशन देते हैं, टर्मिनेशन देने के बाद क्या करना है इसे चला देना है, ठीक है, सॉरी यहां पे आपको ये लिख करके एंटर करके नीचे आना है और यहां पे आप डालना है वैल्यूज, तो ये वैल्यूज डाल दीजिएगा यहां पर, तो वैल्यूज में वन कर दिया और नेम में क्या करेंगे सिंगल डॉट कॉमा में RAM राम लिख दिया और इसको बंद करके टर्मिनेट कर दिया। अब इसको चलाने की बारी है, तो यहां से इन दोनों को सेलेक्ट करके एक्सिक्यूट पे क्लिक कीजिएगा, तो एक्सिक्यूट पे क्लिक करेंगे वन रो अफेक्टेड हो गया। अब यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो SELECT सेलेक्ट एस्ट्रेक, यहां पे एस्ट्रेक लगाएंगे, ये देखिए ये एस्ट्रेक का सिंबल है, ये लगा दिया, फ्रॉम कौन से टेबल से इसको ये करना है, तो टेबल का नाम है हमारे स्टूडेंट टी, STUDENT स्टूडेंट टी, तो यहां पर देखिए ये स्टूडेंट टी आ रहा है और यहां पे आप टर्मिनेशन दे दीजिए, टर्मिनेशन दे करके और यहां से एक्सिक्यूट कीजिएगा, तो यहां पर देखिए एक नाम जो है इसमें इंसर्ट हो गया है, देख सकते हैं ना, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी, यही काम आपको MySQL में भी करना है, तो जितने भी डेटाबेसेस हैं लगभग ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारी बेसिक चीजें समझ में आई होंगी आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।